गुड इवनिंग क्लास, मैं आकांक्षा शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, एक बार फिर से यहाँ पे आपके साथ जुड़ रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। ये ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को दी जा रही है घर बैठे हुए अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। एक चीज़ जिसके बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं, आप लोगों ने हर इंसान से सुना होगा कि हम लोग अपना ध्यान रखें। ये जो परेशानी है, ये जो कोरोना वायरस की परेशानी है, लॉकडाउन अभी सरकार ने इम्पोज कर रखा है, इसके अंदर ये बोला जाता है कि आप लोग अपना ध्यान रखें। एक चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जो कि हमारे ऑनरेबल CMD सर का विजन है कि हम लोग अपना ध्यान तो रख ही रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें ही रखें, लेकिन उसके साथ साथ में कम से कम एक ऐसे ज़रूरतमंद इंसान की मदद ज़रूर करें जो कि इस मुश्किल घड़ी में बहुत परेशान है। अगर आप किसी का दुख कम नहीं कर सकते, किसी की परेशानी ख़त्म नहीं कर सकते, तो आप उसकी मदद करके उसे कम ज़रूर कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक संकल्प लेते हैं कि हम लोग कम से कम एक व्यक्ति की मदद ज़रूर करेंगे इस मुश्किल घड़ी में। आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। हमारा जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, उसका एक नया टॉपिक हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन प्रबंध की है पारिश्रमिक होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। रेम्यूनरेशन वर्ड पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है, किसी दूसरे के लिए काम करता है, तो यहाँ पे जो भी हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी हमारे प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट जो होता है, वो किसके लिए काम करता है? वो काम करता है कंपनी के लिए, ठीक है। उनकी नियुक्ति कहाँ से की जाती है? अगर आप कल के स्ट्रक्चर के बारे में स्ट्रक्चर को रिकॉल करेंगे तो हम इलेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं किसको? शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर को। फिर उसके बाद वो किसको अपॉइंट करते हैं? वो अपॉइंट करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को। मैनेजिंग डायरेक्टर फिर किसको अपॉइंट करता है? मैनेजर को। जहाँ तक हम क्या बनाते हैं, अपनी कंपनी का मैनेजमेंट बनाते हैं। तो मैनेजमेंट को किस तरीके से उनके काम के लिए भुगतान किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन के अंदर। जो हमारा अधिनियम है, कंपनी अधिनियम 2013, उसके अंदर प्रावधान दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम लोग अधिकतम मैनेजमेंट मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन दे सकते हैं मैनेजमेंट को, उसके बारे में बात की गई है। मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन किसको दिया जाता है, इस चीज़ को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। कंपनी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? शेयर होल्डर्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो उनको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टर्स से, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स। उसके बाद कौन हो गया? मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद कौन हो गया? उसके बाद में आ जाते हैं हमारे जो भी होल टाइम डायरेक्टर्स हो गए, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हो गए, और उसके बाद में आपके मैनेजर्स। मैनेजर्स मतलब जैसे जनरल मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग HR मैनेजर, या फिर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इन लोग की बात नहीं कर रहे, जनरल मैनेजर के, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? ये हमारा मैनेजमेंट को बनाता है। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन में। उसके नीचे फिर क्या आ जाता है? उसके बाद जो हमारा मिडिल मैनेजमेंट होता है, वहाँ से फिर वेतन सैलरी शुरू हो जाती है, और जो कंपनी के वर्कर्स होते हैं उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है वेजेस, ठीक है। तो यहाँ तक का ये आपको पिक्चर क्लियर होगी कि हम लोग यहाँ पे बात किसके बारे में कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि ये रेम्यूनरेशन हम देते कौन है, कौन देगा उनको रेम्यूनरेशन, क्योंकि वो तो क्या कर रहे हैं, वो खुद ही कंपनी के बिहाफ में काम कर रहे हैं, तो वो रेम्यूनरेशन वो खुद अपने आप को देंगे, ठीक है। या तो अंतर्नियम में किसी भी प्रावधान के अंतर्गत उनको ये रेम्यूनरेशन मिलेगा, या फिर हम किसी भी तरीके का प्रस्ताव पारित करके, रेजोल्यूशन पारित करा के अपनी जनरल मीटिंग में उनके रेम्यूनरेशन को डिसाइड कर सकते हैं। और या फिर किस जो अगर मान लीजिए हमारा जो AOA है, AOA के अंदर किसी भी तरीके का विशेष प्रावधान का अगर हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर कंटेंट अगर मेंशन कर रखा है, तो जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके इनका रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में अगर हम ये बात की हम लोगों ने डायरेक्टर्स के बारे में, उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे मैनेजर्स जो होता है, तो मैनेजर्स लोग को क्या मिलती है? वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। ये सैलरी या तो परसेंटेज बेसिस में हो सकती है ऑफ द नेट प्रॉफिट, या फिर हम अपने मंथली सैलरी जो होती है, हमारी मंथली वेतन जो होता है उसके आधार पर भी दी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, इस सब चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। अब रेम्युनरेशन होता क्या है, क्लियर है आपको? रेम्युनरेशन इज पे, कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स। मैनेजेरियल रेम्युनरेशन क्या होता है, ये भी क्लियर है। अब बात करते हैं कि मैनेजेरियल रेम्युनरेशन में क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूड की जाती है। मैनेजेरियल रेम्युनरेशन में आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर किसी भी तरीके की निःशुल्क मकान की सेवा दी जा रही है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंतर्गत, मैनेजेरियल रेम्युनरेशन के अंतर्गत आ जाएगा। एनी अदर बेनिफिट्स और एमिनिटीज फ्री ऑफ चार्ज और एट कंसेशन। किसी भी तरीके के अन्य लाभ या सुविधाएं जो कि उनको दी जा रही है, निःशुल्क दी जा रही है या फिर किसी भी कंसेशन रेट के ऊपर, रियायती दरों के ऊपर दी जा रही है, जैसे कि मान लीजिए वाहन की सुविधा हो गई, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, वो मैनेजेरियल रेम्युनरेशन के अंतर्गत चला जाएगा। एनी ऑब्लिगेशन और सर्विसेज, किसी भी तरीके की अन्य अगर सेवाएं उनको दी जा रही है, किसी भी तरीके का अन्य कोई भी ऑब्लिगेशन है जिसका एक्सपेंडिचर कौन उठाता है, कंपनी उठाती है, उसको किसके अंदर चला जाएगा, वो भी मैनेजेरियल रेम्युनरेशन में चला जाएगा। अगर मान लीजिए जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के किसी भी तरीके की लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन या फिर ग्रेच्युटी, उनको, उनकी फैमिली को, फैमिली में कौन आ गया, रेस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ या फिर उनके बच्चे, तो उनको किसी भी तरीके की अगर लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन या फिर ग्रेच्युटी दी जा रही है तो वो भी किसके अंदर चला जाएगा, वो भी मैनेजेरियल रेम्युनरेशन के अंतर्गत ही चला जाएगा। तो ये हमने बात की मैनेजेरियल रेम्युनरेशन होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि मैनेजेरियल रेम्युनरेशन को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैनेजेरियल रेम्युनरेशन कैसे बनेगा ये हम बात कर चुके हैं। जो हमारा सेक्शन 197 है ऑफ कंपनीज एक्ट 2030, वो कुछ प्रावधान देता है, कुछ प्रोविजंस देता है जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, मैनेजेरियल रेम्युनरेशन को डिसाइड करेंगे, उसके बाहर जाके हम काम नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत ही इजी पॉइंट्स है, उनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जिसको फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है इन दी फाइनेंशियल ईयर, जो वित्त वर्ष चल रहा है उस वित्त वर्ष के अंदर अगर कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कुल मैनेजेरियल रेम्युनरेशन है, जो कुल पारिश्रमिक है, वो 11% से ज्यादा का नहीं हो सकता है ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है। कुल मिला के जितने भी मैनेजमेंट में सदस्य हैं, उन सदस्यों का कुल मिला के 11% से ज्यादा का नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए सिर्फ एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में सिर्फ एक व्यक्ति है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, तो वहां पे पारिश्रमिक क्या होगा, वहां पे पारिश्रमिक 10% ऑफ द, सॉरी 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है, 5% से ज्यादा का नहीं हो सकता है। उसके बाद में अगर मान लीजिए एक से ज्यादा है हमारे पास में मैनेजमेंट में लोग, तो वहां पे आपका जो पारिश्रमिक है वो कितना हो सकता है, वहां पे आपका पारिश्रमिक हो सकता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% से ज्यादा का नहीं होगा। अगर मान लीजिए जो भी हमारे अन्य निदेशक हैं, ठीक है, इसमें हम किस किस को एक्सक्लूड कर देंगे, इसमें हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे मैनेजिंग डायरेक्टर को और फुल टाइम डायरेक्टर को, ठीक है, और मैनेजर्स को। यहाँ पे जैसे अन्य में कौन आ गया, जैसे पार्ट टाइम डायरेक्टर्स आ गए। तो अगर एक हमारे पास में क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आपके पास में एक फुल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर मैनेजर है, तो जो अन्य हमारे प्रबंधक होंगे उनको कितना मिलेगा, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब अगर मान लीजिए अन्य किसी भी तरीके की अगर कोई भी सिचुएशन में हम लोग हैं, जहां पे हमारे पास में क्या है, कोई भी ना मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना होल टाइम डायरेक्टर है और ना ही मैनेजर है, ठीक है, अन्य प्रबंधक है हमारे पास में, तो ऐसी स्थिति के अंदर कितना मिलेगा, 3% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट ही मिलेगा। जिस नेट प्रॉफिट को हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आपका इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा, ये नेट प्रॉफिट पे ही मिलेगा, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी को
अपर्याप्त लाभ प्राप्त होता है या फिर लाभ प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पारिश्रमिक है वो किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा, बिना केंद्र सरकार की परमिशन के। अगर आपकी इसको देख लीजिए, इफेक्टिव कैपिटल, कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल कितनी है, या तो नेगेटिव है, नकारात्मक है, या फिर 5 करोड़ से कम है। ठीक है, या तो क्या है, नेगेटिव है या फिर 5 करोड़ से कम है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारा एनुअल रेमुनरेशन है, एनुअल रेमुनरेशन आपका होएगा 60 लाख। ठीक है, 60 लाख। अगर मान लीजिए 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में है, तो यहाँ पे आपका रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका रेम्यूनरेशन हो जाएगा 84 लाख। ठीक है, अगर हमारा जो इफेक्टिव कैपिटल है, हमारी इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ से लेके 250 करोड़ के बीच में है। ठीक है, 100 करोड़ से लेके कितनी है, 250 करोड़ के बीच में है। तो यहाँ पे आपका एनुअल रेम्यूनरेशन कुल मिला के, कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, 120 लाख से ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से ज्यादा की है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आपका जो एनुअल रेम्यूनरेशन है वो 120 लाख जमा या फिर 250 करोड़ से ज्यादा की जितनी भी आपकी इफेक्टिव कैपिटल है उसका 0.01%। इससे ज्यादा का आप एनुअल रेम्यूनरेशन नहीं देख सकते हैं कुल मिला के। हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात की है, कुल मिला के, इन टोटल। ठीक है, तो ये है हमारा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की है। एक दो चीजें और हैं जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, उनको इम्पोर्टेंट है। पहली चीज, ये जो हमारा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का सेक्शन 197 है, ये सिर्फ और सिर्फ किन पे लागू होता है, पब्लिक कंपनीज के ऊपर ही लागू होता है, ये प्राइवेट कंपनीज के ऊपर लागू नहीं होता, सिवाय ऐसी प्राइवेट कंपनीज को छोड़ के जो कि किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये टैक्स फ्री नहीं होता है। ठीक है, किसी भी तरीके की इनकम आप यहाँ पे टैक्स फ्री नहीं दे सकते हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए किसी भी जो मैनेजमेंट का मेंबर है, उस मैनेजमेंट के मेंबर को अगर एक्सेस के अंदर एक्सीडिंग रेमुनरेशन मिल गया है, तो ये एक्सीडिंग रेमुनरेशन उसको 2 साल की अवधि में, ठीक है, 2 साल की अवधि में या फिर उससे कम में क्या करना पड़ेगा, वापस लौटाना पड़ेगा, अनिवार्य है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात की है मैनेजीरियल रेमुनरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैनेजीरियल रेमुनरेशन आपको समझ में आया होगा। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको आप तक जल्द से जल्द वो पहुंचे, आप किसी भी वीडियो लेक्चर को मिस ना करें, इसके लिए नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बी होम बी सेफ।